एक वेलकम बैक टू द वीडियो। कर्व्ड डिस्प्ले जो स्मार्टफोन के लुक को काफ़ी इनहेंस कर देता है। जिस भी फोन में कर्व्ड डिस्प्ले होगा वो डेफिनेटली प्रीमियम होगा। दोस्तों एंड्रॉयड के अंदर डिस्प्ले कई टाइप के होते हैं, बट जो सबसे बेस्ट डिस्प्ले होता है वो कर्व्ड डिस्प्ले ही माना जाता है, जिस पर आप नेक्स्ट लेवल कॉन्टेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो। एनीवे इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप और बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन बताऊंगा जो आपको 20 से लेकर 40,000 के बीच मिल जाएंगे, जहां पर आपको 3D कर्व्ड पैनल मिलेगा विद 144 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो बने रहिए। बट गाइस सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की जो आता है मेरी लिस्ट में Realme की तरफ से, Realme 10 Pro Plus 5G। देखो इसका सक्सेसर ऑलरेडी 11 Pro Plus आ चुका है। 11 Pro में भी कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों 11 सीरीज के अंदर इतने सारे एड्स और ब्लॉटवेयर मिलते हैं, सबसे गंदा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। बट हाँ, अगर आपको डिजाइन थोड़ा सा यूनिक चाहिए, यूजर इंटरफेस से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी हो चलेगा, तब आप इस फोन को चेकआउट करिए। अदरवाइज 10 Pro Plus 20,000 के सेगमेंट में दी बेस्ट स्मार्टफोन है। 6+128GB बेस प्रिंट से आता है। इस फोन के अंदर 6.7 इंच का फुल HD+ कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें 10 bit का पैनल, HDR10+ सपोर्ट और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले टॉप क्लास दिया गया है, आपको कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस जबरदस्त मिलेगा। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी और मैट फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 108 MP का दिया गया है, जो कि सैमसंग के HM6 लेंस के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी, नो डाउट। इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 1080, जो कि 5G कैपेबल है। ओनली 6 nm पर बेस्ड है, काफी पावर एफिशिएंट है। गेमिंग आप यहां से 20,000 के सेगमेंट में दी बेस्ट कर सकते हो, जबरदस्त परफॉर्म करता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है, जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। यहां पर 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और लिक्विड कूलिंग मिल जाती है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और इस फोन की प्राइस है 22,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये फोन आपको 22,000 के आसपास डेफिनेटली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो H40 5G। इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग के बाद ये इकलौता फोन है जो आपको IP68 की रेटिंग, हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी और क्लीन यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। 8+256GB सिंगल वेरिएंट से आता है। इसके अंदर 6.55 इंच का फुल HD+ कर्व्ड POLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल। ये 144Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें 1200 nits ब्राइटनेस, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये HDR सपोर्ट करता है। मतलब आप यहां से HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले जबरदस्त मिलता है कंटेंट वॉचिंग के लिए भी और गेमिंग के लिए भी। रियर साइड में PMMA बैक मिलेगा, जो बेसिकली पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से ही बना होता है। सेकंड वेरिएंट आपको वेगन लेदर फिनिश के साथ मिल जाएगा। इसमें डुअल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 MP का दिया गया है विद OIS। साथ में 13 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो माइक्रो का भी काम करेगा। फ्रंट साइड में 32 MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट मिल जाएगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 8020, जो कि 5G कैपेबल है। फ्लैगशिप CPU है, 6 nm पर आता है। गेमिंग आप यहां से फ्लैगशिप लेवल की कर सकते हो। इसमें Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि MIUX 13 पर बेस्ड है, जो बेसिकली क्लीन UI है। आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा और LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसमें 4400mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें ThinkShield की प्रोटेक्शन, जो बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 15W वायरलेस चार्जिंग और IP68 की रेटिंग मिलती है। ये फुली वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। तो ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 29,999। 30,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V27 5G। इसमें परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं मिलेगी, बट कैमरा, डिस्प्ले और डिजाइन दी बेस्ट मिलेंगे। 8+128GB बेस प्रिंट से आता है। इस फोन के अंदर 6.78 इंच का फुल HD+ 3D कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये HDR को भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले अगेन टॉप क्लास दी गई है। रियर साइड में ग्लास मिलता है विद मैट फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास
मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS जो कि फ्लेक्सिब लेंस IMX766 के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से अगेन 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी फ्लेक्सिब लेवल की मिल जाएगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7200 जो कि 5G है। ओनली 4nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है बट उतना पावरफुल नहीं है। गेमिंग आप यहां से डिसेंट कर पाओगे। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है। यहां पर LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 32,999। 33,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस 11R। ये 40,000 के सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। यहाँ पर आपको 6.74 इंच का फुल HD प्लस 1.5K कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। इसमें 10-bit पैनल, HDR10 प्लस सपोर्ट और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले फ्लैगशिप ग्रेड की दी गई है। रियर साइड में ग्लास मिलता है विद मैट फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS जो कि सोनी के IMX890 फ्लैगशिप सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्लैगशिप ग्रेड की कैमरा क्वालिटी मिलेगी नो डाउट। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 8+Gen1 जो कि 2022 का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप CPU है। ओनली 4nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। आप यहां से फ्लैगशिप ग्रेड की गेमिंग कर सकते हो नो डाउट। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि ऑक्सीजन OS 13 पर बेस्ड है। यहां पर LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 100W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IR ब्लास्टर और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे Dolby Atmos के। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 39,999। 40,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप प्रीमियम फोन्स। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।